दोस्तों, जब भी कोई माँ नई नई माँ बनती है और अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो उसे काफी ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है और उसी वजह से बच्चे और माँ के बीच का बॉन्ड यानी कि संबंध और भी ज्यादा मधुर हो जाते हैं। लेकिन इस मधुर संबंध को स्थापित करने में जब भी माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तो उसकी वजह से स्तनों में काफी ज्यादा समस्या हो जाती है। आइए जानते हैं उन आम समस्याओं के बारे में जो स्तनपान करवाने के बाद किसी भी महिला को झेलनी पड़ती है। दोस्तों, जब भी कोई महिला बच्चे को स्तनपान कराती है तो उसे किस तरीके से स्तनपान कराना चाहिए ये उसे अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। कई बार हमारे स्तन काफी ज्यादा लटक जाते हैं बच्चों को स्तनपान कराने की वजह से, इसीलिए सही तरीके से बच्चों को स्तनपान कराना हमें आना चाहिए। एक हाथ से अपने बच्चे को सही तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। आप चाहे तो आलती पालती मार के गोद भी बना सकते हैं और अगर बच्चे का मुंह सही तरीके से स्तनों के पास नहीं जा रहा है तो आप सबसे पहले अपने हाथ के नीचे ऊंचा सा तकिया लगा सकते हैं। एक हाथ से अपने बच्चे को होल्ड कीजिए और दूसरे हाथ से अपने स्तनों पर दबाव डालिए। ऐसा करने से आप बच्चों को स्तनपान भी करा देंगी और आपकी ब्रेस्ट का साइज भी फीका नहीं पड़ेगा। जी हाँ, कई बार कई महिलाओं को ब्रेस्ट से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। कई महिलाओं का दूध अंदर ही सड़ने लगता है और इस बीमारी को हम आम भाषा में ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ये सारी बीमारियां आम ही हो चुकी हैं क्योंकि स्तनपान करवाते समय अगर हम हाइजीन पर, साफ सफाई पर, अपने खान पान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं तो ये तो होना ही है। इसीलिए इन आम समस्याओं से बचने के लिए आप साफ सफाई पर पूरा ध्यान दें, रेगुलरली डॉक्टर से चेकअप कराएं और अपने स्तनों को सॉफ्ट बनाने के लिए सफाई करके अच्छी सी क्रीम या फिर जेल का प्रयोग करें। आप चाहे तो क्रीम और जेल डॉक्टर की सलाह से भी ले सकते हैं। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।